हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 3 दिल्ली से। टाइम हो गया अभी कुछ 3:15। थोड़ा आज उठने में लेट हो गया, उसके बाद आज पूरा पैक कर रहे थे। कल निकलेंगे हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो अभी जा रहे हैं। अभी SRD के छोले कुलचे, वही बेसिक रूटीन है, तो कुछ खास ऐसा दिखाने लायक है नहीं। कुछ अगर रहा ऑन द वे, कुछ दिखाने ऐसा रहेगा तो अपन तब मिलते हैं। भी करने का मन नहीं कर रहा है अभी। हम लोग सीपी पे आके ऐसे ही खड़े, H&M गए थे, एक टॉप जो रिटर्न करना था वो कर दिया। बाद में मेरे लिए कुछ देख रहा था पर मैं रख के आ गया, बोला नहीं भाई ऑलरेडी बहुत शॉपिंग हो गई है तो मैंने रख दिया। अभी बस यहीं पे ऐसे ही खड़े, एकदम बारिश वाला वेदर हो चुका है, दिल्ली का वेदर बहुत अच्छा है। बस खड़े हैं अभी, देख रहे हैं, सोच रहे, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा क्या करें। मस्त फ्लैग अपना लहरता हुआ, सामने गार्डन है, बीच में तो मन हो गया था गार्डन में चला जाओ। इधर ही हवा बहुत बढ़िया चल रही है भाई, समझ में भी नहीं आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे ही है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में जो गार्डन है वहाँ बैठ गए। आयुष ये कॉटन, क्या कॉटन कैंडी खा रही है और मैं ये एक चाय लिया हूँ। सर्दी लग गई है तो यार मैं थोड़ा थोड़ी चाय पी लो, तो बाद में पता चला ये डिप वाली चाय नहीं, डिप वाली चाय में वो मज़ा नहीं है जो मतलब प्रॉपर एकदम उकाल के जो चाय बनती है उस पर बहुत मज़ा आता है। एंड आज वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, दिल्ली के अंदर एकदम प्लेजेंट हवा चल रही है और एकदम बारिश वाला मौसम है। घूम फिर के हम लोग आ गए अभी होटल, अभी चेंज करेंगे देन निकलेंगे सीपी। भाई और भाभी के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग आ जाए फिर निकलेंगे। आज आयुषी की हेयर स्टाइल की वजह से आयुषी को सब बच्ची समझ रहे हैं। ये भाई आ गई मेरी चाय और आयुषी की आ गई कॉफी। अभी सर्दी लग गई है तो थोड़ी बहुत चाय पी लेता हूँ भाई। अभी भाई और भाभी भी पहुँचने में, हम लोग यहाँ पे बस चाय पी रहे हैं, चेंज करेंगे एंड देन निकल जाएंगे।